थर फाउंडेशन यूँ बनाई गई कि थर के अंदर जितनी भी कोल की कंपनीज हैं जो कि इधर माइनिंग पे काम कर रही हैं या पावर पे काम कर रही हैं, हमने ये फैसला किया कि सब मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं ताकि CSR का काम एक मजबूत तरीके से हो सके एज़ कम्पेयर टू एवरीबडी डूइंग देयर ओन वर्क। हम चाह रहे थे कि हर कोई आदमी मिलकर एक ही तरह से काम कर सके। थर फाउंडेशन जो है वो उसके 6 हिस्से हैं, उनमें से पहला हिस्सा जो है वो हेल्थ का है, दूसरा एजुकेशन का है, तीसरा लाइवलीहुड का है, चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर का है, पांचवा कल्चर का है और छठा जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट का है। आप देखें सोमालिया की मिसाल देखें, इथोपिया की मिसाल देखें, वहाँ आपको लोग बच्चों की तस्वीरें जाती हैं, ग्लोबल मीडिया हिल जाता है। आपके थर में लोगों की ये हालत है, आपके बच्चे वहाँ ऐसे अनएजुकेटेड, इतने सारे हैं, हेल्थ पे इतने सारे इश्यूज़ हो रहे हैं, क्लीन वाटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। शाहिद बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं इस मुल्क के लोगों के लिए। शाहिद के दिल में एक विजन था कि इतना उन्होंने 17-18 साल क्रिकेट खेली है, अब इस मुल्क के लोगों के लिए कुछ किया जाए। सिंध एग्रो कोल माइनिंग कंपनी ऑलरेडी एक काम कर रहा था, हमने सोचा कि व्हाई नॉट यू नो कोलैबोरेट एंड जॉइन हैंड्स टुगेदर, सो एवरीवन इज डूइंग द स्टफ इंडिपेंडेंटली, सो वी वांटेड टू डू अ कोलैबोरेटिव एफर्ट वेयर वी कैन कंबाइन हैंड्स जॉइन आवर एक्सपर्टीज एंड वर्क फॉर द पीपल ऑफ थर। जो आज हमारा MOU है, वी विल बी वर्किंग ऑन हेल्थ सेक्टर, जहाँ हम एक हॉस्पिटल इस्लाम कोर्ट में मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक ले रहे हैं, स्पेशली वहाँ के जो वुमेन और बच्चों की सेहत के लिए जो इश्यूज़ आते हैं, सो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू टेक चाइल्ड ब्लॉक, मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक हेल्थ सेक्टर में। प्लस फिर हम क्लीन वाटर के लिए वी आर प्लानिंग टू हैव 30 RO प्लांट्स और मे बी मोर। और फिर एज गोइंग फॉरवर्ड हम एजुकेशन सेक्टर में भी काम करेंगे। हमारा प्लान है शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के अंडर वहाँ कुछ स्कूल्स बनाने का, बच्चों को तालीम में वापस लेके आने का। अल्हम्दुलिल्लाह, जब आप किसी अच्छी नीयत से निकलते हैं तो आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो आपके साथ आपके अच्छे कॉज में आपकी हेल्प करते हैं। हम उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जिनका हमारे ऊपर हक है। हमारा मेन मकसद एक ही है, मेरा और एंग्रो ग्रुप का एक ही मकसद है, हमारे थर फाउंडेशन का एक ही मकसद है कि उन लोगों को जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ है, बेसिक जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है वो हम उनको दे सकें। तो आई थिंक एक बहुत बड़ा कॉज है, बड़ा अच्छा कॉज है और इसको इंशाल्लाह हम साथ मिलकर करेंगे और उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ में एक नेक मकसद में इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। इसके लिए मैं एंग्रो ग्रुप का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मेरे इस मकसद को समझा और मेरे साथ इस चीज़ में, इस अच्छे काम में, नेक काम में मेरा साथ दे रहे हैं। और मेरे लिए, मेरी फाउंडेशन के लिए ऑनर की बात है कि एंग्रो ग्रुप जो है वो मेरे साथ काम कर रहा है। बहुत खुशी का दिन है आज हमारे लिए कि शाहिद आफरीदी जो हमारे हीरो हैं, इस मुल्क के हीरो हैं, वो अपनी फाउंडेशन के साथ आज शराकत हुई है थर फाउंडेशन में। और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है एंग्रो के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। और आज का दिन बहुत खुशी का बायस है हमारे लिए कि शाहिद आफरीदी अपने फाउंडेशन के थ्रू उन्होंने एंग्रो के साथ और सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है। बहुत ही एक मेजर माइलस्टोन है हमारे लिए। जो पहला प्रोजेक्ट है ये एक हॉस्पिटल, एक अस्पताल के लिए है जो कि हम इस्लाम कोर्ट में इंशाल्लाह बनाएंगे। थर फाउंडेशन और शाहिद आफरीदी फाउंडेशन मिल के इसके लिए कोशिश करेंगे और पहले इस प्रोजेक्ट से शुरू करेंगे और इंशाल्लाह फिर दूसरे एरियाज़ में भी इसको एक्सपैंड करेंगे, एजुकेशन में, हेल्थ में, इन अदर एरियाज़ एज़ वेल। थैंक यू।